हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा जोशी एंड वेलकम ऑल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज के हम टॉपिक में बात करेंगे मासिक धर्म में होने वाले दर्द के बारे में। मासिक धर्म के दौरान दर्द क्यों होता है, इसका क्या कारण है और ऐसे कौन कौन से आपके घर में, आपके किचन में उपस्थित ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आप मासिक धर्म की इन समस्याओं को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके मासिक धर्म या पीरियड से रिलेटेड जितने भी मिथ हैं, तकलीफ हैं और उन सभी का आप होम रेमेडीज कर सके, अपना खुद से इलाज कर सके। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज 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 सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, मत भूलिए, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पीरियड के दौरान दर्द क्यों होता है, इसको जानने के लिए पहले पीरियड होता किस तरीके से और उस दर्द का कारण क्या है उसे हम पहले समझ लेते हैं। पीरियड्स के दौरान यूट्रस के अंदर, यूट्रस जो हमारा लेडीज का बच्चे जैसे हम बच्चेदानी बोलते हैं, इस यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रेक्शन के मूवमेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब ऊपर से यूट्रस अपने आप को दबाता है जिससे उसके अंदर, यूट्रस के अंदर जो मायोमेट्रियम है या जो कुछ भी अंदर गंदगी या महीने भर का पीरियड इकट्ठा हो गया है ये यहाँ से बाहर निकल सके। इसलिए अगर जैसे मान लीजिए इस तरीके से पूरा का पूरा यूट्रस में आपका जो आपके पीरियड का इकट्ठा है वो जमा है तो यूट्रस इसे ऊपर से प्रेस करता है जिससे ये जो अंदर का भाग है वो बाहर निकल सके। इसको प्रेस करने के प्रोसीजर में जिसे हम कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं, यूट्रस की जो नर्व सप्लाई होती है वो उसमें इरिटेशन होता है। अब चूंकि नर्व सप्लाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्रस में जाती है, यूट्रस के आसपास जो दूसरे ऑर्गन है उसमें भी वही नर्व सप्लाई होती है जैसे कि ट्रैक है आपकी या एनाल रीजन है, लोअर एब्डोमेन के बाकी एरिया है, फेलोपियन ट्यूब्स है और पेरिमेट्रियम है या पेरिटोनियम है, इन सभी में भी वही नर्व सप्लाई होती है। इस कारण जब यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो नर्व इरिटेशन होता है और ये नर्व इरिटेशन बाकी के सारी ऑर्गन में भी पेन कॉज करता है। इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें पीरियड के दौरान होने वाला जो पेन है वो फिजियोलॉजिकल पेन होता है ना कि पैथोलॉजिकल पेन है। फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल में अंतर यह है कोई चीज जो हमारे शरीर में नॉर्मली एक क्रिया है उसके दौरान होने वाली जो तकलीफ होती है उसको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं और अगर कोई बीमारी है तो उसे हम पैथोलॉजिकल बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको मामूली सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वह नॉर्मल प्रोसीजर कहलाता है। ज्यादातर लोग औरतें क्या करती है, हल्का सा भी अगर उन्हें दर्द है या तकलीफ है तो वो उसके लिए किसी ना किसी तरीके की दवाई ले लेते हैं। अब जो हम दवाइयां लेते हैं पीरियड के दर्द को कम करने के लिए वो ज्यादातर एंटी स्पास्मोटिक होते हैं। एंटी स्पास्मोटिक का मतलब जो यूट्रस में जो कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं उसको कम करेंगे। अब यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन इसलिए आ रहे हैं ताकि वो महीने भर की गंदगी को बाहर निकाल सके। आपने मेडिसिन के थ्रू उसके कॉन्ट्रेक्शन बंद करा दिए तो क्या होगा, वो गंदगी अंदर ही रह जाएगी और जब पीरियड अंदर ही रह जाता है तो या तो वो फाइब्रॉइड करता है या इंडोमेट्रियोसिस भी सीरियस का हेल्थ कंडीशन को उत्पन्न करता है। अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको दर्द के लिए ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपका दर्द, ये जो मैंने भी आपको बताया फिजियोलॉजिकल, ये डिस्कम्फर्ट है, मतलब आपको एहसास होता है कि कुछ समथिंग अनइजी सा आपकी लोअर एब्डोमेन में हो रहा है। अगर ये तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आपकी रेगुलर डे टू डे जो लाइफ है, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं या आप और कोई काम करते हैं, अगर वो काम नहीं कर सके तो उसे हम डिसमेनोरिया कहते हैं और इस डिसमेनोरिया में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहली बात हम ये जान लेते हैं डिसमेनोरिया में जो हो रहा है, जो प्रोसीजर हो रहा है उसमें जो पेन है वो किस वजह से है। दो कारण होते हैं इसके, या तो महीना यानी कि पीरियड बन ही नहीं रहा है, आपको पीरियड हर मंथ में जो बनना चाहिए जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हुई तो क्या होगा, वो खाली यूट्रस अपने आप को पुश कर रहा है। अब खाली यूट्रस पुश लगभग वैसे ही हो जाता है जैसे मान लीजिए आप घर के पानी की मोटर चला रहे हैं और नल नहीं आ रहे हैं, तो अगर वो खाली मोटर चलती है तो क्या एक अलग तरीके की आवाज करेगी और अल्टीमेटली मोटर आपकी खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर यूट्रस के अंदर कुछ बना ही नहीं है, आपको मंथ का जो पीरियड इकट्ठा होना चाहिए था वो इकट्ठा हुआ ही नहीं, खाली यूट्रस अपने आप को पुश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दर्द ज्यादा होता है, नॉर्मल से ज्यादा दर्द होता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यूट्रस अपने आप को ज्यादा पुश करने लगे, मतलब कि ज्यादा ग्रोथ हो जाए, ज्यादा ब्लीडिंग होने लगे और यूट्रस में मोशन ज्यादा होने लगे। दो तरीके की कंडीशन रही, एक में आपका महीना बन ही नहीं रहा है, दूसरे में आपका महीना ज्यादा बन रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ रही है। इन दोनों को आप वैसे भी पहचान सकते हैं, सारी फीमेल्स बता सकती है कि दर्द के साथ में महीना खुलकर नहीं आता है, रुक रुक कर आता है या उतने अच्छे से जितना खुलकर होना चाहिए उतना नहीं होता है, तब अलग कंडीशन होती है। और अगर आपका महीना अच्छे से आ रहा है पर ज्यादा आ रहा है, आपको दिन भर में 3-4-5 बार तक पैड बदलने पड़ रहे हैं और वो भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत स्मेली है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तब दर्द हो रहा है, उनकी अलग कंडीशन होती है। इन दोनों हेल्थ कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या है मैं वो आपको वो एक्सप्लेन करूंगी।
अगर आपका महीना बन नहीं रहा है, यानी कि आपको मंथ में होता ही नहीं है ढंग से और दर्द होता है, तब आपकी बॉडी में ज्यादातर या तो विटामिन ई की कमी होती है, या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी है, आयरन की कमी है, या फिर विटामिन डी की कमी है। ये तीन की कंडीशन में आपका पीरियड अक्सर ज्यादा नॉर्मल तरीके से नहीं बनता है। मैं समराइज करूँ फिर से, आपको या तो विटामिन ई की कमी होती है, विटामिन ई हमारे लोअर एब्डोमेन और जेनिटल ऑर्गन की सारी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार होता है, तो विटामिन ई की कमी हो सकती है आपको, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, या फिर आपको विटामिन डी की कमी है। अगर आपको तीनों की कमी है तो आपका अच्छे से पीरियड खुल के नहीं आएगा, अच्छे से बनेगा नहीं, और साथ ही साथ पीरियड में दर्द भी होगा। अगर आपको पीरियड ज्यादा बन रहा है तो ज्यादातर इसके पीछे हार्मोन इशू रहते हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, वहां पर अल्ट्रासाउंड करवाएगी, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा कि आपको कोई फाइब्रॉइड है या फिर किसी तरीके की और आपकी ओवेरियन सिस्ट हो गई है या एंडोमेट्रियोसिस है आपको, और उसके हिसाब से एक अलग ट्रीटमेंट होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। आपने ये सारा कंक्लूड कर लिया, आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू नहीं है, आपको मामूली सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है जो इतना है कि आप थोड़ी नॉर्मल लाइफ में उतने हैप्पीली आप सर्वाइव नहीं करते हम 5 दिन में, तो आपको कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, आपको विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना है। विटामिन ई का सप्लीमेंट मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप कहीं भी किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं, इसके लिए कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है, आप खुद ही जाके फार्मेसी से खरीद सकते हैं। एक बात याद रखें कि विटामिन ई की ओवरडोज हो सकती है, इसलिए आप एक कम अमाउंट में ही लेना है, यानी कि आप वंस इन ए वीक इसका एक कैप्सूल ले सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में आता है, वंस इन ए वीक आप लें, और वो भी शुरू के 1 महीने में, उसके बाद इसे महीने में सिर्फ 2 बार लें, 15 दिन में एक बार ही आपको लेना है। तो ये हुआ विटामिन ई का। दूसरा है खून की कमी का होना। अगर आपको आयरन की कमी है तो पहली बात तो हीमोग्लोबिन आपको बढ़ाना है, तो आयरन सप्लीमेंट आपको लेना है। मान लेते हैं चलिए आपको आयरन की कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है हर पीरियड में हमारे शरीर से खून बाहर जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ये अपनी एक रेगुलर हैबिट बना लें कि आपको हर हफ्ते में, हर महीने में एटलीस्ट कम से कम 5 आयरन सप्लीमेंट लेने हैं। टैबलेट फॉर्म में लें तो 5 गोली एटलीस्ट मिनिमम लेनी है, सिरप लेना है तो एटलीस्ट 5 दिन के लिए आपको आयरन सप्लीमेंट लेना है। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो फिर अपनी लाइफ स्टाइल में कम से कम 5 दिन के लिए आयरन वाले कंटेंट हमको ऐड करें, यानी कि आपको सेब ज्यादा खाना है, अनार ज्यादा खाना है, गुड़ लेना है, इस तरीके की जिन चीजों में आयरन होता है उनका ज्यादा प्रयोग करना है, जिससे आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे और महीने के 5 दिन में पीरियड की वजह से हीमोग्लोबिन कम नहीं हो। तीसरी हेल्थ कंडीशन आती है विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी के भी सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको पीरियड में डिसनरोरिया ज्यादा होता है, ज्यादा मासिक धर्म में ज्यादा तकलीफ होती है, तो आप किसी भी फार्मेसी से विटामिन डी के कैप्सूल आते हैं वो खरीद सकते हैं। विटामिन डी कैप्सूल आपको महीने में एक ही लेना होता है, इसका भी स्टोरेज बॉडी में होता है, इसलिए ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा लेंगे तो साइड इफेक्ट आएगा। अब बात करते हैं होम रेमेडीज के बारे में, कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप अपने मासिक धर्म की तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहली होम रेमेडीज जो है वो है एरंड का तेल। एरंड का तेल, जिसे हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अरंडी का तेल आपको महीने के 5 दिन में, या पीरियड आपका स्टार्ट होने वाला है उससे 2 दिन पहले से आपको अरंडी के तेल का प्रयोग करना है। इसे 2 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म सादे पानी के साथ लें। याद रखिए, गर्म के साथ नहीं लेना है, सादे पानी के साथ लेना है। सुबह 2 चम्मच इसे सादे पानी के साथ आप अरंडी के तेल का प्रयोग करें, जिससे आपका मासिक धर्म खुलकर आएगा, पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अगर आपको मासिक धर्म ऐसा लगता है कि अच्छे से हो नहीं रहा है, चिकना ही जा रहा है, चिपकता है, बदबू जा रहा है, वो चीज भी आपकी कम हो जाएगी। अगली चीज है नारियल का तेल, और इसमें आपको नारियल का तेल का प्रयोग नहीं करना है। नारियल का जो खोपरा आता है, जिसे हम नारियल का गोला बोलते हैं ना अंदर का, वो नारियल का गोला आपको एटलीस्ट कम से कम 1 नारियल का गोला आपको खाना है। इसमें क्या होता है, नारियल के गोले में एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स होते हैं, विटामिन ई का भी अच्छा सोर्स होता है। इसकी वजह से आपके पीरियड की सारी समस्याओं के लिए नारियल का गोला बहुत ही अच्छी चीज है, आप इसे खाएं, आपको 101% बेनिफिट मिलेगा। तीसरी चीज आती है इलायची। इलायची का प्रयोग करना है। इलायची को फीमेल जेनिटल के लिए बहुत ही मैजिकल ड्रग बोला जाता है। इलायची ओवरी से रिलेटेड या हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही सही होती है। आपको क्या करना है, एक इलायची कम से कम पीरियड के पहले, पीरियड के 5 दिन पहले आपको एक इलायची खानी है, उसके अगले दिन 2 इलायची, फिर 3 इलायची, फिर 4 इलायची, फिर 5 इलायची, उसके बाद फिर से 5 इलायची, फिर 4 इलायची, फिर 3 इलायची, फिर 2 इलायची, फिर 1 इलायची। इस तरीके से एटलीस्ट हर महीने में 10 दिन आपको इस तरीके से करना है। 10 दिन
दिन आप ये क्रम करें, एक से चालू करें, एक इलायची, दो इलायची, तीन इलायची, चार इलायची, पांच इलायची, इसके बाद फिर से पांच इलायची, तो चार इलायची, दो तीन, तीन इलायची, दो इलायची, एक इलायची, इस क्रम में आपको इलायची का प्रयोग करना है। इससे आपकी पीरियड से रिलेटेड जो सारी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। अगली होम रेमेडी आती है जो आपको प्रयोग करनी है, वो है दालचीनी। दालचीनी बहुत ही बेस्ट होती है। आपको इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आधा चम्मच की अमाउंट में दालचीनी दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद लें। एक बात याद रखें, दालचीनी गर्म पानी के साथ लेनी है। एक बात आपको याद रखनी है कि दालचीनी गर्म होती है। अगर आपको पीरियड ज्यादा आता है, आपको मतलब तीन या चार बार से ज्यादा पैड बदलने की जरूरत पड़ती है और आपका पीरियड पांच या छह दिन से ज्यादा रहता है, तो आप इसका प्रयोग नहीं करें। इससे आपकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय उल्टा बढ़ जाएगी। अगर एक नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि तीन दिन आपका अच्छा पीरियड रहता है, उसके बाद अगले दो दिन तक हल्का पीरियड रहता है, अगर इस क्रम में एक नॉर्मल तरीके से आपका आता है और अमाउंट भी उतने लिमिटेड अमाउंट में ही रहता है, तो आप इसका प्रयोग करें, आपको डिसमेनोरिया में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगली चीज आती है जिसका आपको प्रयोग करना है, वो है अदरक। अदरक का प्रयोग करना है, याद रखें आपको शुंठी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो अदरक मतलब अदरक होता है, एक को फ्रेश जिंजर बोल देते हैं, दूसरे को ड्राई जिंजर बोल देते हैं। आयुर्वेद में अदरक अलग चीज है, शुंठी अलग चीज है, दोनों में अंतर है। आपको अदरक का प्रयोग करना है, सौंफ का प्रयोग नहीं करना है। आप अदरक को क्रश कर ले और उसका जूस निकाल के, दो चम्मच के अमाउंट में उसका जूस निकाल के आपको प्रयोग करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये सारी होम रेमेडीज मैंने बताई है, मैंने नीचे इनको लिख भी रखा है सारी चीजों में, तो आप इसे प्लीज फोटो स्क्रीनशॉट खींच के सेव करके रखें, नोट डाउन करके रखें, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस बारे में प्लीज कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, स्टे हेल्दी, बी फिट। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, गुड बाय।